हेलो, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यू टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि फुल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आपको बताऊंगी, जिसमें मैं तीनों टाइप के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके बताऊंगी। सेकेंड पार्ट में मैं कुछ एक्सेप्शंस, कॉमन मिस्टेक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, गए हैं, आए हैं, यानी ई है, ए है, इस टाइप से लगता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, I have eaten the food। इसमें जो helping verb use होती है वो has और have होती है। singular के साथ has और plural के साथ have। मैं structure में आपको पूरा detail में sentence form करना बताऊंगी, so don't worry। और third form का इसमें use होता है। वह बाजार जा चुकी है, she has gone to the market। मैंने अपना काम कर लिया है, I have done my work। तो इस टाइप से ये सेंटेंसेस लिखे जाते हैं और ये सेंटेंसेस पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं। मींस एक्शन तो होता है हमारा पास्ट में और उसका इफेक्ट होता है हमारे प्रेजेंट पर। जैसे कि I have eaten the food। सपोज मैंने जस्ट अभी खाना खाया है और किसी ने मुझे ऑफर किया कि क्या आप मेरे साथ खाना खाओगे, तो मैंने क्या कहा, ओ सॉरी आई हैव जस्ट ईटन, यानी कि मेरा पेट भरा हुआ, माय स्टोमक इज फुल, आई कैन नॉट ईट मोर। अब मैं और ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि मैंने जस्ट अभी खाया है। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट पर ही है, लेकिन मैंने काम कहाँ कर लिया है, पास्ट में ही कर लिया है। तो इस टाइप से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैं आगे इसका यूज बताऊंगी। व्हेन टू यूज कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट। जैसा कि मैंने बताया था, एक्शन इन पास्ट व इफेक्ट ऑन प्रेजेंट। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, इसका मतलब क्या है, मेरी चाबी खो गई है, मैं ये बता रही हूँ। इसका मतलब अभी भी उसका इफेक्ट है, अभी भी उसे जो मेरी कीज है वो मिली नहीं है। आई एम स्टिल सर्चिंग माई कीज। अगर इसी को मैं पास्ट इंडेफिनेट में लिखती, आई लॉस्ट माई कीज, इसका मतलब मेरी कीज खो गई थी और मुझे अब मिल गई है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, या मेरे पास नई की आ गई है। वो वर्ब पूरी तरह से पास्ट में ही फिनिश हो चुका है, उसका कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है। लेकिन यही डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में इफेक्ट भी पास्ट में ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें काम तो हमारा पास्ट में हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में रह जाता है। जैसे कि फिर से बता रही हूँ, आई हैव लॉस्ट माय कीज, ठीक है, मेरी कीज जो है वो लॉस्ट हो गई है, लेकिन स्टिल आई एम सर्चिंग दैट कीज, मेरे पास अभी कीज मिली नहीं है, उसे मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। तो इस टाइप से ये कनेक्ट करता है प्रेजेंट और पास्ट को। एक और एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था, आई हैव जस्ट टेकन माय लंच, आई हैव जस्ट हैव माय डिनर, या आई हैव जस्ट ईटन माय डिनर, इस टाइप से। और किसी ने मुझे ऑफर किया कि लेट्स हैव अ डिनर, हम डिनर करते हैं, तो मैंने कहा ओ सॉरी आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी खाया है तो आई कैन नॉट ईट एनी मोर। तो उसका इफेक्ट क्या है, अभी भी मेरे प्रेजेंट में, मैं किसी के साथ डिनर नहीं करती, लेकिन मैंने खाना कब खाया, पास्ट में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट। अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग, कुछ ऐसे एक्शन जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन कंप्लीट होने की संभावना है, उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेफिनेटली ही वो कंप्लीट होंगे। जैसे कि रवि हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, ये अभी रवि ने अभी तक, येट, स्टिल, ये टाइप से वर्ड यूज होते हैं हमारे अनकम्प्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए। रवि हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, तो रवि ने अभी तक, येट मतलब इसमें यूज हो रहा है अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि बस वो करने ही वाला है, अभी नहीं हुआ। बस आप रवि से किसी ने पूछा होमवर्क फिनिश हो गया, या उसकी मदर ने पूछा, नो नो मॉम जस्ट 10 मिनट्स,
मैं अभी बस करने वाला हूँ, इस टाइप से यूज होता है. ट्रेन हैज स्टिल नॉट अराइव्ड एट स्टेशन, अभी तक स्टेशन पर नहीं आई है लेकिन अब स्टेशन पर पहुंचे हैं, हमें कहीं जाना है तो इट मींस ट्रेन आएगी. तो इस टाइप से अनकम्प्लीटेड एक्शन है लेकिन हमारा एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उसे कंप्लीट होना. अच्छा मैंने अब यहाँ नॉट व्हेन यूज तो बता दिया, व्हेन टू यूज, अब मैंने व्हेन नॉट टू यूज. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी भी है ब्लॉग पर, व्हेन इज नॉट यूज, कब यूज नहीं होता इसमें. व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड है वो यूज नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में, देखते हैं कैसे. जैसे मैंने लिखा व्हेन हैव यू सेंट एन ईमेल, तुम ईमेल कब भेज चुके हो, ये रॉन्ग हो जाएगा. सही क्या होगा, इसकी जगह हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे. मींस अगर हमें व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट. व्हेन डिड यू सेंड एन ईमेल, दिस इज करेक्ट. इसी टाइप से व्हेन हैव यू नोन रवि, तुम रवि को कब जान चुके हो, इट इज रॉन्ग. अब व्हेन की जगह हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड यूज होगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन रवि, तुम रवि को कब से जानते हो. इस टाइप से हम यूज करते हैं इसका. व्हेन ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर व्हेन लिखा है और प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें यूज हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इट इज रॉन्ग. या तो आपको क्वेश्चन वर्ड बदल देना है, वो क्या सेंस दे रहा है, जैसे कब से जानते हो, इसमें हमारा सेंस कब से नहीं दे रहा है, तुम रवि को कब जान चुके हो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये कोई सेंटेंस नहीं है. तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं व्हेन के साथ, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या तो हाउ लॉन्ग या फिर पास्ट इंडेफिनिट. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, यानी ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं. तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर टेंस में मैं आपको बताती हूँ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, कोई बात कहते हैं. और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं लगाते, यानी हम बात जो नेगेटिव सेंस में करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस की. तो देखिए इसको कैसे फॉर्म करते हैं. सबसे पहले, अभी तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब. अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव. इसके बाद MB3, यहाँ पर MB3 का क्या मतलब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अच्छा यहाँ पर जितने भी परफेक्ट टेंस आपके आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सब पे परफेक्ट टेंस का मतलब होता है थर्ड फॉर्म का, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है. थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो अगर आपको फॉर्म बनाना सीखना है सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स को. और इसके बाद आता है बचा हुआ पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट या बचा हुआ पार्ट सेंटेंसेस का. अच्छा हैज कब लगता है और हैव कब लगता है, हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ. जैसे कि आई यू वी दे, एक्सेप्ट आई, आई एक्सेप्शनल है, यू वी दे ये क्या है, सब प्लूरल है. ठीक है, तो उसके साथ क्या यूज होगा, हैव. और ही शी इट या कोई भी एक नेम, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, Has. लेकिन यहाँ जो आई है, एक्सेप्ट आई, आई एज अ सिंगुलर वर्ब करता है, एक ही पर्सन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, हैव. तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आई के साथ यही था, उसमें हम डू और ये डज यूज करते थे. प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे फर्स्ट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, आई होप अब तक तो आपने वो टेंस लर्न भी कर लिया होगा. तो डू के साथ हम क्या यूज करते थे, प्लूरल, और डस के साथ हम क्या यूज करते थे, सिंगुलर. बट एक्सेप्ट आई, आई एक्ट तो सिंगुलर की तरह करता था, आई मतलब मैं अकेला, लेकिन रूल फॉलो करता था प्लूरल का, यानी उसके साथ क्या यूज होता था, डू. तो ऐसे यहाँ पर हैज और हैव के साथ होगा. तो देखिए उसने अपना काम कर लिया है, और मैं इसके इंट्रोडक्शन में इसकी पहचान बता चुकी हूँ, आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप से यूज होता है. या वह अपना काम कर चुका है, इस टाइप से भी हम इससे लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसने मतलब वह
हैज। ही क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? हैज, यानी कि सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम फिनिश करने की कंप्लीटेड होती है, काम करने की, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म ईडी और लगा देते हैं, कंप्लीटेड हिज वर्क, बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का। नेक्स्ट, मेरी चाबी खो गई है, तो मेरी मतलब मेरी आई, आई के साथ क्या यूज होता है? हैज नहीं, जबकि आई सिंगुलर की तरह वर्क करता है, बट क्या मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? हैव, हैव और लॉस्ट माय कीज। हमने ऐसा जानवर देखा है, वी, अब वी क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? हैज या हैव? हैव। सीन, सी, सी सॉ सीन, इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है? तो मेरी इरेगुलर वर्ब्स की वीडियो में जाके आप ये नोट करिए, आपको सारी इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स के बारे में पता चल जाएगा। वी हैव सीन, बचा हुआ पार्ट, सच है एनिमल। तो देखिए कितने सिंपल हो गए ये सेंटेंसेस। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो यहां मैंने अफर्मेटिव की जगह क्या लिख दिया है? नेगेटिव, यानी कि जिनमें नॉट यूज होता है। तो अब इसके स्ट्रक्चर में भी हमें नॉट यूज करना पड़ेगा, तो इसमें नॉट कहां लगेगा? नॉट कहां लगता है नेगेटिव सेंटेंस में? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास। तो सब्जेक्ट हैज या है, एंड इधर हम लिख देंगे नॉट, सेम स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, उसने अपना काम कर लिया है, अभी उसने अपना काम नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं किया है, इस टाइप से मैं, या उसने अपना काम नहीं किया, इस टाइप से मैं लिख सकती हूँ। तो यहां पर बस क्या लगा देना है? बहुत ही सिंपल, ये तो स्ट्रक्चर आप सीख ही चुके हो अफर्मेटिव का, यहां पर बस क्या लगा देना है? इसके बाद नॉट। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्क के बाद सब में नॉट लग जाएगा, वेरी सिंपल। मेरी चाबी खो गई है, मेरी चाबी नहीं, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखिए लास्ट में आ है, ई है, चुके हैं, चुका है। मेरी चाबी नहीं खोई है, आई हैव नॉट लॉस्ट माई की, फिर से क्या लग गया? नॉट, सीखने की जरूरत ही नहीं है, हमें अफर्मेटिव आ रहा है, तो उससे हम सारे सेंटेंसेस इजीली सीख सकते हैं। हमने ऐसा जानवर देखा है, अब हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो वी हैव नॉट, वी हैव नॉट सीन सच ए एनिमल। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गए, तो नेगेटिव में बस उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि अभी इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है? क्या तुमने ये काम नहीं किया है? क्या तुम स्कूल नहीं गए हो? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसलिए इसकी इंग्लिश में इसको कहां से शुरू करते हैं? हैज और हैव से। यानी कि सबसे पहले इसमें जो नेगेटिव और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लग रही थी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां लगती है? सब्जेक्ट से पहले। किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, मतलब किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव हो, ठीक है, आपको किसी भी टेंस में बात करनी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इसमें रूल होता है कि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे कि हैज या है, फिर आता है इसमें सब्जेक्ट, और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहीं भी चेंज नहीं होगी, परफेक्ट है, किसी भी टाइप का सेंटेंस है हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, मैं फिर आपको बता रही हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हैज और हैव का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही हो चुका है। क्या तुमने अपना पार्ट याद किया है? तो ये सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा आंसर करना हमें जरूरी नहीं होता, हम केवल यस और नो में भी कर सकते हैं। जैसे क्या तुमने अपना पार्ट याद कर लिया है, मुझसे कोई पूछ रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? नो। तो इससे जो इंसान मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो समझ जाएगा नो मीन्स
मैंने अपना ये वर्क नहीं किया, अगर मैं कह दूं यस तो इट मींस यस, इसलिए उनको बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंसेस। तो कहां से शुरुआत होगी, हैव, अब हैव लगेगा या हैज, लाइक सब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव देखते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव में हैज या हैव, नेगेटिव में हैज या हैव, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो उसमें पहले लग जाता है, तो उसके में भी हम हैज या हैव के अकॉर्डिंग देखेंगे चाहे कहीं भी लगे। यू, यू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैव, हैव यू, बस उसमें क्या होता है अफर्मेटिव में यू हैव, इतना ही डिफरेंस है देखो, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, लर्न करने की, अगर आपको अफर्मेटिव आ गए तो उससे ही चेंज करके सारे सेंटेंस आ सकते हैं, बस किसी में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, किसी में बाद में लग जाती है, यही होता है। हैव यू, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लंच, इसके बाद बचा हुआ पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट योर लेसन, वेरी सिंपल, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप जरूर ध्यान से सीखिए, क्या हाल ही में आपकी मनोज से बात हुई है, तो सबसे पहले हाल ही में ये आप अलग कर दीजिए, इसका एक वर्ड होता है रिसेंटली, रिसेंटली मतलब जस्ट अभी, क्या अभी हाल ही में या अभी अभी जस्ट, ठीक है, क्या हाल ही में आपकी मनोज से बात हुई है, तो हैव, हैव, अब अगेन यू है तो हैव भी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म, इसके बाद टू मनोज, रिसेंटली बचा हुआ पार्ट, हैव यू टॉक्ड टू मनोज रिसेंटली, तो इस टाइप से हम, और इनकी पहचान भी देखिए लास्ट में आ है ई है, इस टाइप से लगा है। अब देखिए अगर मैं इसमें नेगेटिव भी लगा दूं तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या तुमने अपना पार्ट याद नहीं किया है, तो मैं अगर इसमें नहीं लगा दूं तो नहीं कहा लग जाएगा, इसमें हैव यू नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब में यही रूल फॉलो होगा इंटरोगेटिव में, नॉट हमेशा कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद, किसी भी टाइप का आप सेंटेंस ले लो, किसी भी टेंस का आप सेंटेंस ले लो, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। क्या हाल ही में आपकी मनोज से बात नहीं हुई है, हैव यू नॉट टॉक टू मनोज रिसेंटली, ये आपके हो गए सिंगल इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी WH फैमिली की। WH फैमिली जैसे जो कि क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होती है, जैसे वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच। अच्छा, अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इससे पहले आपने सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था, उसका ये क्या होता था, हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यही होता था, उसके आगे बस क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, दोबारा लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से ही आपको सारे स्ट्रक्चर बताए हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ, वह लड़का कहां भाग गया है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, और कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर लगा दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सिंगल इंटरोगेटिव का रूल, हैज या हैव, अब वह लड़का मतलब वह लड़का, वे तो नहीं बात कर रहे हम, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, डेट बॉय की, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हैज या हैव, तो क्या लगेगा, हैज, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, डेट बॉय, अगर सिर्फ लड़का होगा तो बॉय और वह मतलब डेट, ठीक है, यह मतलब दिस, इस टाइप से। कहां भाग गया है, अब भागने की रन, अब रन की थर्ड फॉर्म, रन, रेन, रन, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो में जाइए, मैंने रेगुलर वर्ब्स बताया है, रेगुलर वर्ब्स ये रन, फ्रेम, रन, कुछ ऐसी वर्ब जो थर्ड फॉर्म में रिपीट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म को ही रिपीट करती है। कहां भाग गया है, अभी, अभी होती है, कहां भाग गया है, वेयर हैज दैट बॉय रन अवे, कितना दूर तक भाग गया है, कहां तक भाग गया है, इस टाइप से। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तो देखिए सब में सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये चेंज नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ रही है, मेन वर्ब कहीं पहला नहीं लग रही, हेल्पिंग वर्ब बस इधर उधर हो रही है, आपने ये चीज नोटिस की होगी, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट के, और अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता मेन वर्ब पहले है। तुमने ये किताब क्यों नहीं पढ़ी है, अब क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया,
सिंपल। अब इसके बाद हैज या हैव, तुमने यानी कि यू, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो यहां से देखिए डब्ल्यू एच फैमिली यानी वाय है, इसके बाद क्या आएगा, क्यू नहीं पड़ी है। अब इसमें नेगेटिव भी लग गया, अगर हमें नेगेटिव लगाना है तो मैंने कहा बताया था अभी सिंगल इंटरोगेटिव में कहां पर लगाते हैं नेगेटिव, तो आपको लर्न भी हो गया होगा या सिक्स टेंस आप पढ़ चुके हो, नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब हैज या हैव ऐसे मत कर देना, व्हाई हैव, यहां पर नॉट, नो, रॉन्ग, यहां पर नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। व्हाई हैव यू नॉट, नॉट रीड, read, 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 spelling is same, only pronunciation is different. Why have you not read this book? देखिए, तो सब अगर इसमें not लगाना है तो हमेशा कहाँ लगेगा, subject के बाद। Why have you not? Why, बहुत से students ऐसा करते हैं, why have not? ये wrong है, मैं फिर बता रही हूँ। Negative की तरह, negative में has और have not, helping verb के बाद ही not आ जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता, पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट आता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हैज नॉट एक साथ आते हैं, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पार्ट 2 में।